ओपन द पेज नंबर 107। अब देखो यहाँ पे स्पीड मैथ से पहले हमें अच्छे से कलरिंग की एक एक्टिविटी दी है, वो हम देखेंगे। ओके, अब देखो एक्टिविटी क्या है। हेल्प द बनी रीच द कैरेट बाय कलरिंग द पाथ। हमें क्या करना है, ये जो बनी है, बनी रैबिट है हमारा, उसको कहाँ पे पहुँचाना है, ये पाथ का यूज़ करके कैरेट तक पहुँचाना है। ओके, बट कैसे, नंबर्स को कलर करते करते। लेकिन विथ नंबर्स लेस दैन 26 इज ऑरेंज, जो 26 से छोटे नंबर्स है उनको क्या करना है, ऑरेंज कलर करना है। एंड कलरिंग द पाथ विथ नंबर्स ग्रेटर दैन 34 इन ग्रीन, और 34 से जो ग्रेटर नंबर है उनको कौन सा कलर करना है स्टूडेंट्स, यस ग्रीन कलर करना है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो वन क्या है, यस 26 से छोटा है। ओके, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ऑरेंज कलर करेंगे। टू भी क्या है, 26 से छोटा है, जो नंबर 26 से लेस दैन है, छोटे है, उनको क्या करना है, ऑरेंज कलर करना है। ओके, 26 इज यस टू डिजिट नंबर, सो टू डिजिट नंबर से वन डिजिट नंबर हमेशा छोटे होते हैं, तो यहाँ पे वन डिजिट नंबर कितने हैं, 1 to 9, सो 1 to 9 नंबर्स आर लेस दैन 26। ओके, दैट्स वाई वी हैव टू यूज ऑरेंज कलर। चलो अब हम इनको 9 तक क्या करेंगे, ऑरेंज कलर अच्छे से फील करेंगे। ओके, हमें हमारे बनी को कहाँ तक पहुँचाना है, कैरेट तक। ओके, अब नेक्स्ट है 10। 10 इज ऑल्सो लेस दैन 26 बिकॉज 10 के वन टेंस प्लेस पे क्या है, 1 है, और 26 के टेंस प्लेस पे 2 है, सो 2 tens आर बिगर, दैट्स वाई 1 tens इज स्मॉलर, 10 इज स्मॉलर दैन 26। ओके, सो जिन जिन के टेंस प्लेस पे 1 1 1 है, 19 नंबर्स तक, वो क्या है, 26 से छोटे हैं। ओके, तो उनको हम कौन सा कलर करेंगे, यस ऑरेंज। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90। ओके, अब 26 से छोटे नंबर है ना, सो अब क्या आया, 20 आया, सो दोनों के टेंस प्लेस पे 2 है, सो हम वंस प्लेस पे कंपैरिजन करेंगे, सो 0 इज लेस दैन 6, दैट्स व्हाई 20 आल्सो लेस दैन 26। 1 इज लेस दैन 6, 21 इज लेस दैन 26, 2 इज आल्सो लेस दैन 2 वंस इज आल्सो लेस दैन 6 वंस, दैट्स व्हाई 26 इज ग्रेटर दैन 22। सो हमें 26 से जो नीचे के नंबर्स है, छोटे नंबर्स है, उनको क्या करना है, ऑरेंज कलर करना है। ओके, सो वैसे हम 23, 24 और 25 को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर करेंगे। ओके, इस पाथ से हमारा बनी यहाँ तक पहुँच सकता है। ओके, और हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी है, 34 से जो ग्रेटर नंबर्स है उनको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। सो 35 क्या है, 34 से बड़ा है। ओके, सो हम ग्रीन कलर करेंगे, है ना। 36 भी 34 से क्या है, बड़ा है। ये जो नंबर्स है 35 to 49, ये सब क्या है, दीज आर ग्रेटर नंबर्स दैन 34। ओके, क्योंकि टेंस प्लेस पे 3 है, लेकिन वंस प्लेस पे इसके क्या है, 4 है, सो वंस प्लेस के नंबर यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऑल नंबर्स ऑन वंस प्लेस आर बिग नंबर्स, ग्रेटर नंबर्स, दैट्स वाई ये जो नंबर्स है वो क्या है, 34 से सब नंबर्स बड़े हैं, ग्रेटर है, तो इनको कौन सा कलर करना है हमें, यस ग्रीन कलर करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो जब आप कलर करोगे तब आपको क्या करना है, कलर प्रॉपरली फिलअप करना है। ओके, अब देखो है ना, मैंने यहाँ पे जैसे किया है, हो गया हमारा बनी कैरेट तक पहुँच गया, है ना, कितना नाइस पिक्चर था। आपको कलरिंग बहुत अच्छी लगती है तो आपको ये अच्छे से कलर करना है। अब देखो नीचे स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो हम देखेंगे। आई एम द नंबर दैट कम्स आफ्टर 36, आई एम। अब देखो
मैं क्या हूँ? ऐसा नंबर हूँ जो 36 के बाद में आता हूँ, 36 के नेक्स्ट नंबर आता हूँ। सो व्हाट कम्स आफ्टर 36 स्टूडेंट्स? यस 37। ओके देन नेक्स्ट, आई एम द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन 24 एंड 26। मैं ऐसा नंबर हूँ, मैं 24 और 26 के बीच में आता हूँ, बिटवीन आता हूँ, आई एम डैश डैश। ओके What comes between 24 and 26 students? Yes, 25. I am 25. Okay, next. We are four friends. हम क्या है? Four friends है. We come in between 42 and 47. हम किसके बीच में आते हैं? 42 और 47 के बिटवीन आते हैं। We are dash dads. तो हमें कौन से नंबर यहाँ पे देखने हैं, ढूंढने हैं, जो 42 और 47 के बीच में आते हैं? Can you tell me student, what numbers comes between 42 and 47? Yes, you are very clever. 43, 44, 45 and 46. Okay? ये हमने अभी हमारे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना स्टूडेंट्स। अब देखो आज आपको क्या करना है। यस, आपको पता चल गया। ओके, आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107 निकालना है। ओके, इस पे हमारे बनी को कैरेट तक, ये पाथ को प्रॉपरली कलर करके हमारे बनी को कैरेट तक पहुंचाना है। कलर कैसे करना है? यस, 26 से जो छोटे नंबर है लेस नंबर से उनको ऑरेंज कलर देना है, और 34 से जो बड़े नंबर से 34 के आगे के ग्रेटर नंबर से उनको कौन सा कलर देना है? ग्रीन कलर देना है। और जब आप कलर करोगे तो आपका कलर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? एकदम प्रॉपरली फिलअप होना चाहिए। साथ में आपको ये स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, करोगे ना? आज तो आपकी पसंदीदा एक्टिविटी है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।